जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे, इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से बैच कोर्सेज मिलेंगे, और साथ ही जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और यहां पर दोस्तों अनअकैडमी फिर से लेकर क्या है, अनअकैडमी टीईटी चैंपियनशिप, जो कि आपकी 13 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे को होने वाली है। तो अगर आप इसको लाइव अटेम्प्ट करते हो और अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है, तो आपको अमेजन के ऊपर 5000 रुपये का वाउचर दिया जाएगा। जिनकी रैंक 2 से 5 के बीच आएगी, उनको 1000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा, और जिनकी रैंक 6 से 10 के बीच में आएगी, उनको 500 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अकेडमी लेकर क्या है, एसई यूपी टीईटी 2021 एक कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपकी 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, और जिसको कि आप फ्री में वॉच कर सकते हो। और यहां पर आपको पूरी लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अनअकैडमी कर रहा है T20 डेली टेस्ट फॉर्म, जो कि आपकी टॉप एडुकेटर के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें कि आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कराई जाती है CDP इंग्लिश, बेसिकली जो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख रहे हो, इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होती है, जिसको कि आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। आपको इनरोल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपकी 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर 2020 रोजाना शाम को 6 बजे होती है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने आपको कहा लिंक दिया गया है, आप लिंक का यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो आपको 12 मंथ का प्लान 6000 रुपए का पड़ेगा, बट अगर आप मेरा कोड GDSTET यूज करते हो, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। इसलिए ज्वाइन करने से पहले कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो आप वीडियो में वेबसाइट देख पा रहे हो, ये आपकी ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप यहां पर न्यू इवेंट्स के अंदर देख सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट फॉर असिस्टेंट कमांडेंट्स मैन SRD 4 OBC SC ST 2021 बैच। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो आपके सामने इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मैं आपको अब प्रत्येक जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराने वाला हूं। तो यहां पर आपने इसका जो टाइटल है वो देख लिया है, आपकी पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी यानी कि GD4 मैन स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव यानी कि SRD, जो कि OBC SC ST के लिए, और ये जो आपकी बैच है वो आपकी फरवरी 2021 की है। फिर यहां पर दोस्तों बात करते हैं थोड़ा और डिटेल्ड में, तो इसमें यहां पर जो आपका एग्जाम का नेम है वो आपका जनरल ड्यूटी है। एज लिमिट की बात करें, तो यहां पर बेसिकली अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1996 से लेकर के 30 जून 2000 के बीच में हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो। बट यहां पर दोस्तों उन कैंडिडेट को छूट दी जा रही है जो कि SC ST है और OBC है। SC ST को यहां पर आपको 5 साल की छूट दी जाएगी एज के अंदर, और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट है, तो यहां पर आप इसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि आपने ऊपर देखा, इसमें सिर्फ SC ST एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फिर बात करें इसमें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो अप्लाई करने के लिए यहां पर आपसे कैंडिडेट हु हैव पास्ट बैचलर्स डिग्री, बेसिकली आप अगर आप ग्रेजुएट पास हो, बैचलर डिग्री पास हो, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। साथ ही जो आपकी बैचलर डिग्री है, उसमें आपके कम से कम 60% होने चाहिए, और ये जो आपके 60% है, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 8th सेमेस्टर तक सभी में 60% होने जरूरी है। अगर आप BBTECH कोर्स कर रहे हो या फिर आपने BBTECH की है, तो आपकी जो फर्स्ट ईयर है या फिर लास्ट ईयर है, सभी के अंदर आपके 60% होने जरूरी है, तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे। फिर यहां पर सेकंड थिंग आपको बोला है कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट, यानी कि आपके पास जो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ये सब्जेक्ट 12th के अंदर कम से कम होना चाहिए, जिसमें कि आपके कम से कम 60% होने जरूरी है। अगर आपके पास फिजिक्स एंड मैथ 10+2 के अंदर नहीं था, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि आपके पास 12वीं के अंदर फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट तो होना जरूरी
जरूरी है, साथ ही उसमें आपके 60% भी होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको बोला है कि कैंडिडेट्स नॉट पोसेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ इन 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट या फिर उसके बराबर लेवल की योग्यता, नॉट एलिजिबल फॉर जनरल ड्यूटी यानी कि फिर आप उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये डाउट आपके मन से क्लियर कर लीजिए। फिर यहाँ पर जो मैंने आपको एज के अंदर छूट के बारे में बात की थी, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी SC/ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की। इसके अलावा आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी देख सकते हैं, SC के लिए 5 पद है, ST के लिए 14 है, OBC के लिए 6 और टोटल आपके 25 पद निकाले गए हैं। इसके अलावा जो एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें आपको बोला है कि फाइल शॉर्टलिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर कॉल अप प्रायोरिटी विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद हायर परसेंटेज यानी कि जब आपके एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे तो उन कैंडिडेट के इशू किए जाएंगे या फिर उन कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिनकी हायर परसेंटेज होगी। जैसा कि अभी आपने देखा कोस्ट गार्ड DB की भर्ती में भी हुआ है, उन्हीं कैंडिडेट को एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे जिनकी परसेंटेज हायर होगी। फिर यहां पर जो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाओगे वो आप लोग 21 दिसंबर 2020 से लेकर के 27 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, ये मैं आपके लिए लिंक एक्टिवेट होने पर वीडियो बनाऊं तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो लिंक एक्टिवेट होते ही रात को ही बना दूंगा। फिर यहाँ पर नीचे आते और जो अन्य जानकारी है उसके बारे में भी जानकारी जान लेते। आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने पर आपकी जो और इम्पोर्टेंट डेट्स वो आप देख सकते हो। डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 21 दिसंबर 2020 है, 27 दिसंबर 2020 तक आप अप्लाई कर पाओगे। जो आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल किए जाएंगे इस भर्ती के एग्ज़ाम के लिए वो आपके 6 से 10 जनवरी 2021 के बीच किए जाएंगे और जो आपकी एग्ज़ाम डेट तय की गई है अभी एक्सपेक्टेड वो आपकी 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी 2021 है और जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो इन्होंने यहाँ पर आपको बताया है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर के बारे में बताया है। मैं आपको बता दूँ चाहे आप इस फॉर्म को किसी भी स्टेट किसी भी सिटी से फिलअप करते हो आपके एग्जाम इन्हीं 4 सिटी के अंदर होंगे। पहली है मुंबई, दूसरी है चेन्नई, कोलकाता और नोएडा। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की तरफ सिलेबस के बारे में जानकारी मिलेगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ कि एक सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको ये सभी जानकारी क्लियर करूंगा, तो आपको उस वीडियो का वेट करना है, वो वीडियो भी जल्द ही आने वाली है। फिर यहां पर जो हाइट रखी गई है इस पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए वो आपकी मिनिमम 157 सेंटीमीटर है। वेट यहां पर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और चेस्ट के अंदर आपका 5 सेंटीमीटर फुलाओ जरूरी है। बेसिकली आपकी चेस्ट बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाओ जरूरी है। तो दोस्तों यहां पर आपने इसके बारे में जरूरी जानकारी जान ली है। नीचे मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि आपको सैलरी क्या दी जाएगी। तो यहां पर आपको रैंक वाइज सैलरी के बारे में बताया कि असिस्टेंट कमांडेंट की जो शुरुआती सैलरी होगी वो आपको 56,100 रुपये दी जाएगी। फिर आप डिप्यूटी कमांडेंट इस पोस्ट पर बन सकते हो, आपका प्रमोशन इस पर अलाउड है। इसके बाद आपको 67,700 रुपये सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। इस प्रकार से हाईएस्ट जो आपकी रैंक होगी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के बाद सिलेक्ट होने के बाद डायरेक्टर जनरल होगी यानी कि DG होगी, जहां पर आपको 2,05,400 रुपये सैलरी पर मंथ दी जाएगी। और जो अदर बेनिफिट्स है उसके बारे में भी आपको यहां पर जानकारी दी गई है, आप इनको भी रीड कर लीजिए। अब मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस जानकारी को लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड बस यही थी जानकारी, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।